हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं ज्योति, ज्योति मेकओवर से। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये है, मैं ड्रेस रिव्यू करूँगी आप लोगों के सामने। अजियो का ड्रेस है, मैंने दशहरा से रिलेटेड कुछ सूट्स ऑर्डर किए थे जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि आपके लिए कौन सी ड्रेस अच्छी है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो क्या लेना है। तो चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और ऐसी वीडियो मैं पहली बार शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो। और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। और जो कुछ कुछ सूट्स है उसके क्वालिटी के बारे में नहीं पता है कौन सी मटेरियल है, तो मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में नोट कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और सारे ड्रेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक जरूर कर लेना। लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन छोड़ो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट कुर्ती मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये पूजा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने इसका वियर करके मैंने अभी वीडियो शूट किया, इस वजह से सारे जो ड्रेस है वो मतलब उल्टे पड़े हैं, तो मैं इसको पहले सीधा कर लेती हूँ। ये है रेड कलर में गाइज, ये प्योर कॉटन है, बहुत अच्छी ड्रेस की मटेरियल है गाइज। आप देखो इसके इस पर जो प्रिंट बना हुआ है फ्लावर का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा और एकदम प्योर कॉटन मटेरियल है इसकी। और इसके स्लीव पे यहाँ पे थोड़ा सा वो सितारे का वर्क किया हुआ है, लेस लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरे कुर्ती में ये चार चांद लगा रहा है और इसकी प्रिंट तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसकी स्लीव क्वार्टर है, तो आप इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं अगर आप पूजा के लिए एक रेड कुर्ती ढूंढ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और ज़रूर परचेज कर सकते हैं अगर आप डेली वेयर के लिए या पूजा के लिए या ऑफिस जाने के लिए एक कुर्ती ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुर्ती है जो कि ये भी बहुत ही प्यारी है और ये भी प्योर कॉटन है गाइज, तो ये बहुत प्यारी इसकी वर्क की हुई है ऑल ओवर, ये पूरे सूट पे ऐसा प्रिंट है, पूरे सूट पे ऐसा प्रिंट दिया हुआ है और आगे चेस्ट पे छोटी छोटी मिरर वर्क की हुई है, आप देख सकते हो, मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में। और इसकी खास बात है इसकी स्लिप जो है बहुत ही प्यारी है गाइस, आपको हाफ में यहाँ पे प्लेन है और यहाँ से देखो स्टिचिंग करके और ये जो चून देकर इतने अच्छे से इसका बाजू है ना, मुझे इसका सबसे अच्छा इस कुर्ती में जो लगा ये इसकी स्लीव ही लगी, बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे चौड़ी पट्टी बनाई हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग की हुई है और ये स्लीव जो है फुल आ जाएगी और ये बहुत प्यारी लगती है। देखो मैंने वीडियो अटैच कर दी है, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, पीछे ऐसी ही बस पूरी प्रिंट दी हुई है और ये राउंड कुर्ती है, आपके घुटने तक आ जाएगी, ये बहुत ही प्यारी है इसकी वर्क, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। मैं इन सारे, जैसा कि बताया मैंने कि मैं इन सारे प्रोडक्ट का, सारे ड्रेस का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मरून कलर में थोड़ी सी वर्क की हुई ड्रेस है जो कि बहुत ही प्रिटी है इस फेस्टिवल, तो आप इस ड्रेस को ज़रूर बाई करना। नेक एरिया पे ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो सितारे होते छोटे वाले उससे इस पर कढ़ाई की हुई है। और इसका जो बाजू है वो हाफ है, अगर आप चाहते हो तो अलग से लगवा सकते हो। ये जो आई हुई थी, सॉरी ये स्लीवलेस आई हुई थी, मैंने इसमें जो बाजू है इसको अटैच करवाया है। इसके साथ आपको पैंट नहीं मिलेगी, ये सिंगल पीस में आएगी और ये फ्रॉक जैसा है, पूरा फ्रॉक है और आगे से ये जो पूरा वर्क एम्ब्रॉयडरी का किया हुआ है ये सूट की तरह बस आगे से है और ये पूरा फ्रॉक है। आप वीडियो में देखो मैंने अटैच कर दी है वीडियो, बहुत ही प्यारी सूट पीस है गाइस, तो आप इसको ज़रूर बाई करो इस दुर्गा पूजा और वियर करो, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप कमेंट में बताओ कि अभी तक आपको कौन सी सूट पसंद आई, मैंने तीन सूट दिखाई। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये सूट जो कि ये बहुत ही प्यारी है और आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है।
ये इसकी कलर इतनी ब्यूटीफुल है ना गाइस कि क्या ही बताऊं। और इसका जो वर्क है बिल्कुल भी हैवी नहीं है और इतना प्यारा वर्क किया हुआ है, बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस सूट की कढ़ाई जो कि थोड़ी सी नेक पे डिज़ाइन दी हुई है, छोटे छोटे स्टोन से। आप देखो बहुत अच्छे से डिटेलिंग की हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसका जो बाजू है वो हाफ है, ये क्वार्टर बाजू नहीं है, ये हाफ है। आपके आपके एल्बो तक आ जाएगी इजीली, तो ये बहुत ही एल्बो से थोड़ी सी ऊपर ही आएगी, बहुत अच्छी है। इस कुर्ती की मटेरियल तो मुझे नहीं पता, मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों को मैं मटेरियल बता दूंगी यहाँ पे। इसके कुर्ती पे पूरा ये जो है वर्क किया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी कुर्ती है। और यहाँ से थोड़ी सी फिश कट टाइप पे है, ये राउंड करके दोनों तरफ से फिश कट है। आप वीडियो में देखो जैसा कि पहन के मैंने दिखाया आप लोग को। तो ये कुर्ती भी बहुत ही प्यारी है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी है। और मुझे तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, जैसा चाहिए। नेक्स्ट कुर्ती जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी इसी क्वालिटी में है, हल्की सिल्क टाइप पे। ये भी क्वालिटी थी, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं आप लोग को बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। हल्की सी सिल्क टाइप पे ये भी है, ये पिंक कलर की है, मैं दिखाती हूँ, पता चल रहा होगा ये सिल्क है, सिल्क की कुर्ती है, प्योर सिल्क है। ये नहीं बता सकती मैं अभी, मैं आपको मेंशन कर दूंगी वीडियो में। ये सिल्क टाइप पे कुर्ती है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें कोई भी हैवी वर्क नहीं किया हुआ है, बस ऐसे जो ये प्रिंट दिख रहा है आप लोग को, ये ऑल ओवर कुर्ती पे पूरा डिज़ाइन जो है बनाया हुआ है। और ये नीचे से थोड़ी सी स्लिट है और आगे से भी सेम स्लिट है, थोड़ी सी बस नीचे से, जैसा कि फर्स्ट कुर्ती में दिखाया था मैंने आप लोगों को। और फ्रंट में आपको ये बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी, ये पूरे कुर्ती पे नीचे तक, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका जो स्लीव है बहुत ही प्यारा है, हाफ स्लीव पे वो जो छापे वाली डिज़ाइन है वो प्रिंट है। और यहाँ पे इसका जो है ये प्रिंट आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा प्रिंट दिया हुआ है। और ये प्रिंट आपका छूटेगा नहीं गाइस, बहुत ही अच्छा है। ये पूरे कुर्ते की प्रिंट जो है छूटेगी नहीं, सबसे खास बात इसकी ये है, ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। और ये आवाशा कंपनी से है, मैं ये दोनों कुर्तियाँ जो है ये आवाशा की है, ये भी आवाशा की है और ये भी आवाशा की है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, और ये भी आवाशा की ही है गाइस, मुझे लगता है कि सारी कुर्तियाँ मैंने आवाशा की ही परचेज कर ली है। चलो नेक्स्ट ये भी बता देती हूँ कि कौन सी ब्रांड की है, ये फ्यूजन ब्रांड की है, आप देख सकते हो फ्यूजन ब्रांड की है ये वाली। और ये जो रेड वाली जो मैंने फर्स्ट कुर्ती दिखाई थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन सी ब्रांड की है। ये कुछ रेडी प्रिंट करके है गाइज, ये जो ब्रांड है ये कुछ रेडी प्रिंट करके है। तो चलो मैं नेक्स्ट कुर्ती आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि है ग्रीन कलर में। मैंने सारे कलर की कुर्तियाँ लाई है, आप इस नवरात्रि एकदम इन कुर्तियों को मंगा के और डे बाय डे कुर्तियों को पहनो और मजे करो। और ज़्यादा हाई प्राइस की कोई भी कुर्तियाँ नहीं गाइज, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस ये भी आवासा कम ब्रांड से है, और इसकी भी जो क्वालिटी है सूट की बहुत ही अच्छी है गाइज, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। थोड़ी सी आयरन नहीं की है मैंने, इस वजह देखिए इसके स्लीव पे ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है जो कि धागे से की हुई है, वो जो धागा होता है गोल्डन वाला, वो वाला धागा है। और प्रिंट किया हुआ है गोल्डन से, फ्लावर बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भी धागे से आगे में चेस्ट के पास वर्क किया हुआ है, और साइड में भी आपको प्रिंट मिल जाएगा जो कि गोल्डन कलर का है। और सारे कुर्ती पे ऐसा ही डिज़ाइन है, बस नीचे थोड़ी सी यहाँ पे थोड़े से गोटे दिए हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मिरर वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बस इस पूरे कुर्ती पे ये दो प्रिंट आपको नीचे में मिल जाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। चार चांद लगा रहे हैं इस कुर्ती में। ये भी आपको सिल्क मटेरियल है, जो कपड़ा है ये आपका सिल्क मटेरियल है, तो बहुत ही प्यारा है गाइस। आप जो है ये ब्लैक कलर का है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ब्लैक कलर का, आप नई पूजा में पहनना चाहते हैं नहीं पहनो। आप इस कुर्ती के नेक पे जो है ऐसा डिजाइन किया हुआ है, बाजू जो है ऐसा है, ट्रांसपेरेंट टाइप है, हल्का सा आपको मतलब दिख सकता है आपका हैंड, तो उससे कोई इशू नहीं है,
इसके अंदर कपड़ा नहीं लगाया है बाजू पे, और यहाँ पे थोड़ी सी लेस लगा दी है, पट्टी लगा दी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये भी आपको क्वार्टर बाजू मिल जाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल ओवर कुर्ती पे ऐसी प्रिंट की हुई है, ऐसी ये वाली प्रिंट बनाई है पूरे कुर्ती पे, और नीचे में ये आपको ऐसा प्रिंट मिल जाएगा। साइड स्लिट कुर्ती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, तो आप इसको चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो, बहुत प्यारी है। नेक्स्ट है ब्लू कलर की कुर्ती, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको भी। ये कुर्ती गाइस बहुत ही अच्छी, इसका पजामा मैंने गुम कर दिया है, बट इसके पजामे पे भी सेम प्रिंट दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी। मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर देती हूँ, लेकिन जो ये सूट मुझे रिसीव हुई है बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा वर्क है, और मैंने इसे वॉश भी किया है। कोई ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर बहुत ही जल्दी जो है गिरने लगता है वॉश करने पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कलर एकदम बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी रंग नहीं छोड़ता। देखो अब इसके नेक एरिया पे कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी जो स्लीव है, स्लीव पे कितनी प्यारी पैटर्न बनाई, कितनी प्यारी डिज़ाइन की हुई है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये कुर्ती बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, सारी कुर्ती में मुझे ये एक लास्ट वाली, ये जो मैंने ब्लू दिखाई और रेड वाली मेरी फेवरेट कुर्ती है, और सारी तो मतलब है ही, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इसकी देखो आप स्लीव पे कितनी अच्छी जो प्रिंट बनाई हुई है, ये प्रिंट छूटेंगे नहीं, और पूरे सूट पे ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, आप देखो मैं दिखा रही हूँ। और नीचे में आपको ऐसा मिल जाएगा प्रिंट, जो कि आपके बाजू पे दिया हुआ है सेम ऐसा ही। ये भी आपको साइड स्लिट कुर्ती मिल जाएगी, जो कि मटेरियल इसकी भी सिल्क टाइप पे है, विस्कॉन सिल्क कहते हैं, पता ना, मैं आपको बता दूंगी। इसकी भी मटेरियल आपको मैं बता दूंगी, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, और जैसा कि मैंने बताया कि सारे सूट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो आप बताओ जल्दी से कमेंट में, आपको कौन कौन सी सूट पसंद आई, आप कौन कौन सा परचेस करने वाले हो इस दशहरा पूजा, तो जल्दी कमेंट करो और बताओ कैसा लगा आपको ये हॉल। ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।